द शुगर नीड टू बी मूव टू बी नोट फोटोसेंटेसिस पार्ट ऑफ द ब्लांट सच एज रूट स्टीम्स एंड फ्लो फॉर स्टोरेज और कंसप्शन क्या होता है इसमें फोटो सेंटेंसिस के जरिए आपकी खुराक पौधों की खुराक बनती है स्टीम्स एंड फ्लो फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ कंसप्शन जो कि कंसम की जाती है इनकी तनों में रूट्स या फिर रूट्स में होती हैं द मैनुफेक्चर फूड सब्सटेंस शुगर आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीवस टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लान्टॉडी बाई फिलोम टिश्यू जो कि फूड मैनुफैक्चर फूड होता है शुगर जैसे होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ लीव लीव के जरिए अदर पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है इट्सट्रक्चर इज वेल साइटेड फॉर द फंक्शन द ट्रांसपोर्ट ऑफ दार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कैसे होती है ना मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ शुगर सब चीज़ें जो होती है किस फॉर्म में होती हैं शुगर की फॉर्म में होती हैं फ्रॉम द लीव्स टू ऑल अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रांस ट्रांसकुलिकेशन जो ट्रांसपोर्ट लीव से होती है बाकी पौधे के हिस्से तक तो उसे क्या कहते हैं ट्रांस ट्रांसलोकेशन कहते हैं इन एडिशन टू शुगर द इस ट्रांसपोर्ट्स अमीनो एसिड मोनिक एंड विटामिन क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं एसिड एमिनो एसिड्स हारमोनिक और विटामिन ट्रांसपोर्ट करते हैं दिस मेकैनिज्म ऑफ़ द ट्रांसलोकेशन ऑफ दी सब्सटेंस टू द सीव्स ट्यूब सेल फिल्म इज नॉट येट क्लियरली अंडरस्टूड सेवल हाइपोथीसिस हैव बीन प्रोसे प्रोपोस्ड टू एक्सप्लेन दिस मेकेज वन ऑफ दिस is इज मास फ्लो many plants प्लाट्स favor फेवर दिस hypothesis so, कौन सा जो है फेवर किया जाता है दैट इज मास फ्लो हाइपोथेसिस जिसे बहुत से साइंटिस्ट फेवर करते हैं प्रेफर करते हैं अकॉर्डिंग टू द मास फ्लो हाइपोथीसिस दल शुगर इज इन सोलूशन कैन मूव फ्रीली थ्रू दीवस ट्यूब फ्रॉम द लीवस टू ऑल नॉन फोटोसेंथिस पार्ट ऑफ द प्लाट्स कह रहा है कि अकॉर्ड टू द फ्लो हाइपोथस शुगर है वो आसानी से फ्लो कर सकती है दिस मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देशन ग्रेडियंट एट द्लेस ऑफ मैनुफेक्चर ऑफ शुगर दिवस ऑफ द लिव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लान विच नीड नरिशमेंट ऑफ कैरी आउट देर एक्टिविटीज एज अ फूड इज मैनुफेक्चर इन दीव दूब्स इन दियर वेन एयर लोडेड विद द शुगर मोर वाटर दियर फोर इंटर्स ऑस्मोसिस कॉन्सिक्वेंटली दैव हाई ऑसमोसिस प्रेशर इसमें क्या कह रहा है कि शुगर बहुत आसानी से तरसील कर जाती है लेकिन इसमें बहुत सी फिर इन्होंने कहा है कि मांस फ्लो हाइपोथिस होता है जिसे बहुत सी लोग प्रेफर बहुत सी साइंटिस्ट प्रेफर करते हैं किस तरह ये प्रोसेस था जिस तरह ये प्रोसेस था जिसमें फूड की तरसील होती है सबसे पहले इसमें शुगर का दिखाया गया था अमीनो एसिड का दिखाया गया था ग्रोथ हारमोने हार्मोनिस का बताया गया था विटामिन का दिखाया गया था जैसे जो कि पत्तों से पूरे पौधे की बॉडी में कन्वे की जाती है ट्रांसपोर्ट की जाती है द प्लान स्टीम कैरिंग द मैनुफेक्चर फूड मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रीम ऑब्जेक्ट अगेंस फ्लोज इम द ट्रांसपोर्ट सब स्टेंस इन द अपोजिट डायरेक्शन अप द स्ट्रीम टू प्रोवाइड नरिशमेंट एंड एनर्जी टू द लीव्स एंड शू शूड्स फॉर दियर ग्रोथ एंड ऑल्सो द डेवलपमेंट सीड्स ऑन फूड ये सीलिए की जाती है ताकि इनके पौधे पौधे के पोड़े जो डिफरेंट हिस्से हैं वो नशनुमा कर सकें बड़े हो सकें साथ साथ जो बीज होगा वो भी ग्रो कर सके मास फ्लो हाइपोथेसिस डज नॉट होल्ड गुड इफ़ वी रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू द फिल्म टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मेनी सीव्स ट्यूब्स नॉट जस्ट वन एंड द फ्लुड कैन मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन टू डिफरेंट बट क्लोजली सिचुएट ट्यूब्स हेयर टू द मूवमेंट ऑफ फ्लूड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन वुड ऑल्सो डिपेंड ऑन अपोजिंग प्रेशर ग्रेडियंट द टू सीव्स ट्यूब आप देख सकते हैं कि किस तरह इसमें पौधों में तरसील की जाती है।